नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां अवैध पटाखा गोदामों पर छापेमारी, दो गिरफ्तार। गाजियाबाद में पिछले दिनों आतिशबाजी और पटाखों के गोदाम में लगी आग और उससे हुए बड़े पैमाने पर जान माल की हानि को देखते हुए आज महानगर के थाना कोतवाली इलाके में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पटाखों और आतिशबाजी के गोदाम में छापा मारकर 15 लाख से भी अधिक की विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ये सभी गोदाम बिना लाइसेंस के चल रहे थे। इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। कल रात कोतवाली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में दीपावली पे ऊंचे दामों पे पटाखे बेचने के लिए अवैध पटाखों का भंडारण किया जा रहा है। इस सूचना पे कोतवाली पुलिस पहुंची तो उस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लगभग 98 पेटी 15 लाख की कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।